दोस्तों, वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर आज हमको इतना बड़ा फॉल क्यों देखने के लिए मिला है? 3.52% के आसपास इस पे हमको फॉल देखने के लिए मिला है। उसके ऊपर डिटेल्स पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ ये स्टॉक के अंदर ये जो फॉल आ रहे हैं और कितना फॉल इस पे देखने के लिए मिलेगा और किसी लेवल के आसपास सपोर्ट आएगा, हमको इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करना है या नहीं। तो देखिये, ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखोगे, अभी हमको एक न्यूज देखने के लिए मिला है। देखो यहाँ पे उनका जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर बेसिकली चेंज हो चुके हैं। तो ये वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर जो डायरेक्टर पहले थे, ये देखो सतीश कामत इस पे डायरेक्टर थे और वो रिजाइन कर चुके हैं। अभी यहाँ पे सेल्कक कारे के बोल के एक न्यू डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। तो ये बेसिकली बड़ा न्यूज है वोडाफोन आइडिया स्टॉक के अंदर। और इसके अंदर अगर ये जो फॉल आपको देखोगे, फॉल देखो मैंने वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जब भी स्टॉक अराउंड 17 रुपीज के आसपास आ रहा है, ये स्टॉक के अंदर प्रॉपर फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा है। और देखो ये स्टॉक अगर आप ओवरऑल ही देखोगे, ओवरऑल तो देखो कंटिन्यू नीचे की तरफ ही जा रहा है। ये 2015 के बाद ये लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन ये देखो लोग ये स्टॉक के अंदर अभी कुछ प्ले कर रहे हैं कि किसी लेवल के आसपास इसको बाय करके छोटे टाइम के हिसाब से जनरली 6 महीना 1 साल के अंदर किसी लेवल के आसपास उस पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो देखो बार बार 2022 के बाद आप देखोगे ये जब 17 रुपीज के आसपास आ रहा है, 17.5 के आसपास, उसी लेवल के आसपास ये स्टॉक के अंदर हमको फॉल देखने के लिए मिल रहा है। और जब भी स्टॉक जो बाइंग इस पे देखने के लिए मिल रहा है, ये अराउंड 5.8 में ये लेवल के आसपास, देखो 5.8 के आसपास आने के बाद ये स्टॉक के अंदर बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। अब 6 रुपीज ये लेवल के आसपास ले लीजिए, तो 6 रुपीज के आसपास जनरली आने के बाद इस पे बाइंग देखने के लिए मिल रहा है और जो सेलिंग आ रहा है 17 रुपीज के आसपास। तो ये स्टॉक देखो इतना नीचे की तरफ क्यों आ चुका है? अभी आप देखोगे ये जो फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये 22 जून के बाद ये जो फॉल आया है, इतना तेजी से जो नीचे की तरफ फॉल आया है, इसका कॉज क्या हो सकता है? तो देखो ये स्टॉक का अगर आप रिपोर्ट को देखोगे, मैंने यहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो अगर आप उसका नेट प्रॉफिट को देखोगे, देखो जो जून 24 के बाद ये जो रिजल्ट है, ये 6,432 करोड़ के आसपास इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कम आया है। तो इसीलिए देखो अगर ये कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करेगा, उसका जो नेट प्रॉफिट है अगर वो कंटिन्यू नीचे की तरफ जाएगा, तो ये देखो स्टॉक का वैल्यू तो नीचे की तरफ जाएगा। फिर आपके मन पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है 2023 के बाद, ये जो ऊपर की तरफ गया था, ये कैसे जा रहा है? तो देखो ये लेवल के आसपास बेसिकली टेक्निकल के हिसाब से लोग इसको प्ले कर रहे हैं। जब भी ये 6 रुपीज के आसपास आ रहा है, टेक्निकली उसको 5 मंथ 6 मंथ या मैक्सिमम 1 साल के लिए उसको खरीद ले रहे हैं। और ये जब इसके प्रॉफिट आ जा रहे हैं, 6 रुपीज के आसपास लिया हुआ स्टॉक जब 100% 150% के आसपास रिटर्न दे देता है, तो ये प्रॉफिट बुक करके फिर इसी लेवल के आसपास निकल जा रहे हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे अभी मेरा व्यू क्या रहेगा, मुझे इसी स्टॉक के अंदर एंट्री करना है या नहीं, तो देखो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैंने इसी स्टॉक के अंदर कोई पोजीशन अभी नहीं बनाऊंगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक से दूर ही रहना सही है। और ये लेवल के आसपास देखो ये जो सेलिंग भी ऊपर लेवल से हमको देखने के लिए मिल रहा है, और इस पे जो वॉल्यूम आ रहा है, देखो कंटिन्यू ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और वॉल्यूम कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जनरली ये स्टॉक और ज्यादा फॉल इस पे देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैंने वेट करूंगा ये अराउंड 6 रुपीज के आसपास ये स्टॉक जो फॉल करेगा 6 रुपीज के आसपास। अगर 6 रुपीज के आसपास ये फॉल हमको देखने के लिए मिल जाता है, ये लेवल के आसपास अगर मैंने बाइंग करने के लिए जाऊंगा, मेरा कैपिटल का 2 से 3% मैंने इसे यूज करूंगा, ज्यादा कैपिटल इस पे यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो ट्रेड रहेगा ये रिस्की ट्रेड हो जाता है। और इस पे मेरा जो टारगेट रहेगा वही 16-17 के आसपास, 1 साल के लिए इस पे टारगेट मैंने लेके जाऊंगा। और देखो इस पे जो स्टॉक है, ये अगर आप पूछोगे कि और ज्यादा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो नीचे की तरफ आएगा, इसीलिए मैंने इस पे 2-3% मैक्सिमम इस पे होल्ड रखूंगा, क्योंकि ये रिस्की वाला ट्रेड हो जाता है। और ये टेक्निकल के हिसाब से ये लेवल के आसपास प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है, इसीलिए मैंने ये लेवल के आसपास मेरा छोटे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके जो टारगेट लेके जाऊंगा, टारगेट अराउंड 16 रुपीज के आसपास, 16.5 के आसपास इस पे टारगेट लेके जाऊंगा। तो ये मैंने मेरा राय जो है आप लोगों के साथ शेयर किया। देखिए आप इस पे खुद एंट्री करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात कर लीजिए और मुझे आपकी राय एक बार आप शेयर कीजिए कि आपका राय इस स्टॉक के ऊपर क्या है।